वह हमारे बीच में पूरी मूर्ति के साथ आ रहे हैं। साइड हो जाओ, उधर हो, आगे लोग साइड हो जाओ, आगे लोग तो हट जाओ सर। आप अच्छा 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 हो गया हो गया हो गया। आइए आपको ट्रेन मिल रहा है। ऑडियो से पूछते हैं यार, माननीय रक्षा मंत्री परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी मंच पर हैं। आप साथियों से प्रार्थना है, जोरदार तालियों से ऑडियो को देख लो सर, कुछ ऑडियो देख लो। साथियों नहीं, ये इसमें देख लीजिए, स्पीकर आ रहा है क्या? हाँ, हम सबके बीच में जिनका इंतजार था, माननीय मुख्य अतिथि महोदय तशरीफ ला चुके हैं। चूंकि बहुत सीमित समय का कार्यक्रम है, मैं ये कहते हुए कि मजदूर पसीना टीएन वाजपेयी जी के इस आदमकद मूर्ति का अनावरण 25 नवंबर 1999 को माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था। उस समय भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय उस अवसर पर थे और आज भी उन्होंने हम सबको अपना यह सुअवसर देने का काम किया। मैं ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के लाल रेलवे मैन सिंह के महामंत्री परम आदरणीय बड़े भाई शिवपाल मिश्रा से प्रार्थना करूंगा कि इस अवसर पर उनको एक पुष्पगुच्छ, एक शाल भेंट करके और एक स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। साथी उपेंद्र सिंह इस काम में सहयोग करें। हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय को ये स्मरण कराना चाहेंगे, पीछे 27-28 सितंबर को हमारी एजीएम थी, 75वीं वार्षिक अधिवेशन, उस समय भी आपने हम लोगों को अपने संदेश के माध्यम से आशीर्वचन देने का काम किया था, पर आपका ये स्मृति चिन्ह शेष था। आज के इस मौके पर हम आदरणीय शिवपाल जी से अनुरोध करेंगे वह सम्मानित करके, और इसी क्रम में मैं श्री एसयू शाह से निवेदन करूंगा, माननीय श्री ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को भी शाल भेंट करके पुष्पगुच्छ और एक स्मृति चिन्ह दे करके उनका भी स्वागत करें। इसी क्रम में मैं स्वयं बड़े भाई आदरणीय शिवगोपाल मिश्रा जो 40 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय संयोजक है, सेक्रेटरी जैसी इसका साइड है, उनका मैं स्वयं स्वागत करूंगा। मैं अपने पार्षद बड़े भाई गिरीश मिश्रा जी से प्रार्थना करूंगा, मैं नगर महापौर माननीय श्रीमती सुषमा खरपाल जी को शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन करें। हमारे इस कार्यक्रम में वह हमारे स्थानीय पार्षद भी हैं। भाई गिरीश मिश्रा जी जाइए सर, ये है, ये है गिरीश भाई, ये लीजिए, ये भी है, आ जाओ यहाँ गिरीजिए। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा, साथी श्रोणी भाई हमारे पार्षद हैं वे स्वागत करेंगे। भाई आनंद द्विवेदी जी हमारे नगर अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका स्वागत करेंगे। और इसके बाद मैं साथी इसके बाद पे बिल्ले भाई से अनुरोध करूंगा कि वह आदरणीय रामचंद्र सिंह प्रधान माननीय विधायक का आकर के स्वागत करें। और इसके बाद तैयार रहेंगे साथी अरूप शर्मा, माननीय श्री मुकेश शर्मा जी जो हमारे विधायक हैं, उनका
स्वागत करेंगे साथी अनूप शर्मा मंडल मंत्री अनूप पाटे सॉरी हमारे बीच में हमारे वयोवृद्ध नेता माननीय सियाराम वाजपेय जी हैं। मैं निवेदन करूंगा साथी राकेश कनौजिया से, वे चेयरमैन हैं नॉर्दर्न रेलवे मल्टी स्टेट प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक के, उनका स्वागत करें। और उसके बाद साथी विभूति मिश्रा मंडल अध्यक्ष से निवेदन है कि वह आदरणीय सचिंद्र मोहन शर्मा मंडल रेल प्रबंधक उत्तर रेलवे लखनऊ के बीच में है, उनका स्वागत करें। हमारे बीच में भाई जितेंद्र सिंह जी हैं। मैं चाहूंगा कि साथी एसी शाह आदरणीय जितेंद्र सिंह जी का उसको कुछ भेंट करके शॉल भेंट करके उनका स्वागत करें। दो मिनट का और समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पार्षद श्री राकेश श्रीवास्तव, प्रदेश संयोजक श्री अशोक तिवारी, साथी गिरीश मिश्रा, साथी श्रवण नायक, माननीय मुख्य अतिथि महोदय को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। माननीय सतीश अडवाणी जी, साथी अभिषेक कश्यप, साथी शिव किशोर वाजपेयी और साथी नरेंद्र पाल हमारे पार्षद हैं। क्रमवार में आकर के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का कुछ भेंट करके स्वागत करें, जिससे कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। आते रहे, आते रहे। हाँ, ए भैया, आनंद भैया बोलाइए। प्याज बैठ गया, हो गया ना? हाँ जी, चलिए हो गया। साथियों, बंद कर दो। अब मैं सीधे आमंत्रित करता हूँ आदरणीय शिवगोपाल मिश्रा, महासचिव ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन नॉर्दर्न रेलवे मैन यूनियन, सेक्रेटरी जैसे स्टाफ साइड को, कि वह आए अतिथियों का, मुख्य अतिथि महोदय का विशेष रूप से आज के इस शुभ अवसर पर स्वागत करें आदरणीय शिवगोपाल मिश्रा महामंत्री। कांग्रेस प्लीज, भाई राजनाथ सिंह जिंदाबाद, भाई राजनाथ सिंह जिंदाबाद, जबकि सीएम विजय कुमार जिंदाबाद, सुषमा खेरवाल जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद। अब आप शांत रहेंगे, बहुत समय नहीं है, बहुत समय निकाल करके हमारे भाई परिवार के सदस्य, उससे बाहर मैं नहीं कुछ कर सकता, जो बिहार सुख और दुख के साथी भाई राजनाथ सिंह जी हम लोगों के बीच में है, ब्रिजेश पाठक जो हमारे अनुज है, सुषमा जी बहुत दिन तक विभूति के साथ रहे, पड़ोस में रहे, एकदम परिवार जैसे रिश्ते हैं, भाई मुकेश हैं लोगों के बीच में, आनंद द्विवेदी हैं, जितेंद्र सिंह के बारे में जितना कहा जाए कम है, हर समय हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम करते हैं। और गिरीश और श्रवण नायक जो इस सड़क के इस पार उस पार के दोनों के पार्षद हैं, मैं उन सभी साथियों का, मंच पर बैठे हुए और तमाम साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। नागर यूनियन की ओर से, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की ओर से, समय कम है, उनको इस कार्यक्रम को परसों ही मूल रूप देना था, लेकिन भाजपा पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होने की वजह से उनको जाना पड़ा। लेकिन ये जुबान के पक्के, जो ठान लेते हैं हमेशा करते हैं। आज अगर देश और दुनिया में
भारत की शक्ति का कोई लोहा मानता है तो उसमें हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री का पूरा हाथ है। आज भारत की तरफ कोई उंगली उठा करके देख नहीं सकता, प्रधानमंत्री के देख नहीं। तो ऐसे यशस्वी रक्षा मंत्री के रहते हुए देश को कोई खतरा नहीं, हम लोगों को कोई खतरा नहीं। हमारा सबका काम है इस देश को आगे बढ़ाना है, विकसित भारत बनाना है। हमारे बहुत सारे साथी उनके मन में चिंता रहती है, खासतौर पर जो 2004 के बाद भर्ती हुए साथी हैं उनके मन में ये भावना रहती है कि हमारे बुढ़ापे का क्या होगा। पूरी बात सुनोगे नहीं तो क्या होगा। प्लीज प्लीज एक मिनट, कोई बात नहीं, जो हमारी बात है उसमें उनके मन में हमेशा एक संख्या रहता है। मैं आप तमाम साथियों को स्टाफ हेड के सीएम की ओर से स्टाफ हेड के सेक्रेटरी होने के नाते आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर आपको इस मुद्दे पर आने वाले समय में सफलता मिलेगी और आपके बुढ़ापे की जो फिक्र करने वाले हैं वो यही साथी आपके बीच में। इसलिए प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, कोई चिंता मत करिए। हम हैं, बहुत सारी चीजें मिली हैं, बहुत सारी चीजें अधर में हैं, चिंता मत करिए, सब कुछ मिलने वाला है। लोग कहते थे रेलवे बिक जाएगी, प्राइवेटाइज हो जाएगी, कहीं कहीं पे प्राइवेटाइजेशन देखा आपने? आज 2,45,000 करोड़ रुपए भारतीय रेल के बजट में इस सरकार ने डालने का काम किया। आज तक भारतवर्ष के इतिहास में इतना पैसा भारतीय रेल में कभी इन्वेस्ट नहीं किया गया। रोज एक वंदे भारत चल रही है, 30,000 अमृत भारत कोच बनने वाले हैं। ऑल इंडिया रेल फेडरेशन का 100 साल इस साल हम लोग पूरा कर रहे हैं। अभी 27 तारीख को हमारे रेल मंत्री जो डाक मंत्री भी अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने 100 साल के ऊपर आपका डाक टिकट जारी किया, बड़े गौरव की बात है। इस बात को आपको समझना चाहिए। और मैंने इसीलिए अपने भाई, अपने परिवार के सदस्य माननीय राजनाथ सिंह जी को इस बात का आश्वासन दिया है कि आपको लखनऊ आने की जरूरत नहीं है, आप पूरा हिंदुस्तान घूमिए, लखनऊ आपका है, हम अपने हाथों में लेकर के आपको फिर संसद पहुंचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। तो मित्रों आज के अवसर पर मैं और कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि समय बहुत कम है और कहने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है। आज ये साथी यहाँ बैठे हुए हैं, ये करने में विश्वास रखते हैं, काम में विश्वास रखते हैं। इनके मुद्दे पर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इनके रहते हुए, ऑल इंडिया रेल फेडरेशन के रहते हुए, नॉर्दर्न रेलवेज यूनियन के रहते हुए, हमारे किसी साथी को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए अपने भविष्य की। इन सबों के साथ आप सबका आभार प्रदर्शित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिवपाल जी। एक मिनट के लिए हम अपने मंडल रेल प्रबंधक आदरणीय एस एम शर्मा साहब को आमंत्रित करेंगे, जो रेल परिवार की ओर से माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं। आदरणीय एस एम शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ। जोरदार तालियों से आप सब इस्तकबाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डीआरएम साहब। मैं साथियों आप उस शख्सियत को आपके बीच में आमंत्रित करता हूं जिन्होंने हमेशा रेल कर्मियों के सुख दुख में 24/7 अपना समय देने का काम किया। हमारी नगर महापौर बहन सुषमा खरकवाल जी, मैं सीधे उनको आमंत्रित करता हूं आप सबके बीच में। जोरदार तालियों से आप सब उनका इस्तकबाल करें। नगर महापौर माननीय सुषमा खरकवाल जी।
राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और आपके विधायक माननीय ब्रजेश पाठक जी और रेलवे कर्मचारियों के हित में 24 घंटा सोचने वाले कि कहाँ पे मुझे क्या करना है, हमारे बड़े भाई शिव गोपाल मिश्रा जी, महानगर के नगर अध्यक्ष भाई आनंद द्विवेदी जी, हमारे एमएलसी मुकेश शर्मा जी, एमएलसी रामचंद्र प्रधान जी, श्री सियाराम वाजपेयी जी, श्री इंद्रजीत सिंह श्री सचिन मोहन शर्मा रेल मंडल प्रबंधक, श्री अरविंद त्रिपाठी जी पूर्व एमएलसी, श्री जितेंद्र सिंह यहाँ के पार्षद, श्रीमती नूतन श्रवण नायक जी यहाँ के पार्षद, श्रीमती संध्या गिरीश मिश्रा जी और सामने बैठे सभी कर्मचारी कार्यकर्ता बंधु मीडिया बंधु सबको सादर प्रणाम। माननीय मिश्रा जी ने मुझे कहा था, मिश्रा जी के दामाद मेरे पड़ोसी हैं और हम लोगों के पारिवारिक संबंध हैं, तो भैया ने कहा था कि वाजपेयी जी के चौराहे का नामकरण करना है, तो आपने मुझे पत्र दिया था शाहजी ने और विभूति मिश्रा जी ने। मैंने भाई साहब को माननीय रक्षा मंत्री जी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, माननीय रक्षा मंत्री जी ने तुरंत मुझे टोका कि ये पूछने की बात है, तुरंत इस पे आदेश करिए और तुरंत ही इसको कार्यकारिणी में रख के पास हो गया है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आपके सांसद 24 घंटे आपके लिए सोचा करते हैं, देश के लिए तो सोचते ही हैं, लेकिन देश से ज्यादा हम लोगों के लिए आपके लिए सोचते हैं। अब हम लोगों की भी बारी है और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि उनको कहिए कि नामांकन करके आप देश का भ्रमण करिए, यहाँ हम लोग हैं, यहाँ हम लोग सब कुछ करेंगे। और आप लोगों की तरफ से मिश्रा जी आश्वासन करिए कि एक एक वोट का हम लोग एक एक वोट बटोरे, अपनी ड्यूटी करें। सभी कर्मचारियों से मैं निवेदन करूंगी कि जब भी कहीं पे भी मेरी आवश्यकता होगी, मैं आपकी बहन हूँ, दीदी हूँ, जब भी आवश्यकता होगी मैं आपके पास आऊंगी। जब तक 5 साल नगर निगम में रहूंगी तब तक मैं आपके एक एक काम करूंगी, बाकी समय बहुत कम है, प्रवक्ता बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बहन सुषमा खरकवाल जी, माननीय नगर महापौर, आपने उनका उद्बोधन सुना। उन्होंने एक अनुरोध पर मजदूर मसीहा टीएन वाजपेयी जी के इस चौक का नामकरण का प्रस्ताव स्वीकृत कराने का काम किया। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी को, जो माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार है, उनसे भी एक छोटी सी प्रार्थना, हम सबके यूनिवर्सिटी डेज के साथी हैं, उनसे भी एक छोटी सी प्रार्थना है कि आज जिस स्थान पर हम लोग बैठे हैं ये टीएन वाजपेयी चौक है और मवैया पीछे है, लेकिन सामने मेट्रो स्टेशन का नाम पढ़ने में मवैया दिख रहा है, पढ़ने को आ रहा है। माननीय रक्षा मंत्री जी भी हम सबके बीच में है, अगर उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से ऐसा प्रस्ताव मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट को जाता है कि इसका नामकरण मवैया के बदले टीएन वाजपेयी चौक किया जाए मेट्रो स्टेशन का, तो हम उनके सदैव आभारी रहेंगे और सीधे आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। भारत माता के, मजदूर मसीहा स्वर्गीय टी एन वाजपेयी जी, पूर्व अध्यक्ष नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की स्मृति में टी एन वाजपेयी चौक के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतवर्ष के यशस्वी रक्षा मंत्री, हम सबके लोकप्रिय सांसद, अभिभावक आदरणीय राजनाथ सिंह जी, लखनऊ की महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी,
हमारे परिवार के सदस्य, सबसे वरिष्ठ आप सबके महामंत्री आदरणीय कॉमरेड शिवगोपाल मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा जी, सदस्य विधान परिषद रामचंद्र प्रधान जी, हमारे अभिभावक परिवार के सबसे बुजुर्ग आदरणीय शिवराम वाजपेयी सियाराम वाजपेयी जी, यहाँ के पार्षद आदरणीय गिरीश मिश्र जी, यहाँ के पार्षद आदरणीय श्रवण नायक जी, आदरणीय एस यू शाह जी, आदरणीय राकेश श्रीवास्तव जी, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय सचिन मोहन शर्मा जी जो DRM है हमारे, आदरणीय संचालन कर रहे आदरणीय आर के पांडे जी, अरविंद त्रिपाठी जी पूर्व सदस्य विधान परिषद, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले स्वर्गीय TN वाजपेयी जी को हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। TN वाजपेयी जी, शिवगोपाल मिश्र जी हम सबके परिवार के अभिभावक रहे। जब से हमने अपनी शुद्ध समाधि, लगातार वाजपेयी जी का नाम श्रमिक आंदोलनों में, श्रमिकों के लिए लड़ाई लड़ने में अग्रणी रूप से पूरे भारत में लिया जाता रहा, ऐसे महान व्यक्तित्व के नाम पर आलमबाग के इस चौराहे का नाम रखने में लखनऊ को, नगर निगम को, सरकार को बहुत गौरवान्वित होने का अवसर मिला है। यह हमने कोई रेल परिवार पर कोई सरकार का योगदान नहीं है, सदे TN वाजपेयी जी के नाम पर रखने का सरकार को अवसर मिला, नगर निगम को अवसर मिला, इसलिए हम सबको ये गौरव का क्षण आप सबने प्रदान किया है। मैं रेल परिवार को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मैं रेल परिवार को इस बात का भरोसा दिलाता हूं, आदरणीय शिवगोपाल जी से लगातार हम लोग संपर्क में रहते हैं, आप सबके हितों के लिए, आप सबके कामों के लिए लगातार रात दिन सरकार आपके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए। आदरणीय रक्षा मंत्री जी जब भी चर्चा होती है वो रेल परिवार को लेकर इतना चिंतित रहते हैं कि कोई भी काम रेल का कम इनकम्प्लीट न रह जाए, सारा का सारा काम तत्काल समय सीमा में हो। सुखपाल मिश्र जी जिस ढंग से आप सबके लिए संघर्ष करते हैं पूरे देश के पैमाने पर, हम कह सकते हैं कि ऐसा संघर्षशील नेता, ऐसा संघर्षशील व्यक्तित्व तो आज के जमाने में होना मुश्किल है, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो। लेकिन दादा ने अपना धैर्य नहीं खोया, लगातार रेल परिवार के लिए लगे रहे और जिन परिस्थितियों से दादा गुजरे हैं, और कोई व्यक्ति होता तो घर बैठ जाता, लेकिन दादा ने रेल परिवार को छोड़ने का काम नहीं किया। हम लोगों को पीड़ा कभी कभी सालती है, जब दादा की व्यवस्था को पारिवारिक दृष्टि से हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को पीड़ा हो जाती है, किस ढंग से दादा इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते होंगे, लेकिन चेहरे पर सिकन नहीं लाते। जब कभी रेल परिवार पर कहीं पीड़ा आती है, दादा आगे बढ़कर के, शिवगोपाल मिश्रा जी आगे बढ़कर आपके लिए संघर्ष करने का काम करते, मैं दादा को प्रणाम करता हूं। और रेल परिवार को मैं बहुत अधिक भरोसा दिलाता हूं कि दादा के कहने पर जो भी संभव होगा सब कुछ रेल परिवार के लिए किया जाएगा, कहीं किसी परिस्थिति में आप अकेले नहीं हैं। मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी को इस बात का भरोसा दिलाता हूं, रेल परिवार की तरफ से, कैंट विधानसभा की तरफ से, कि आपने जितने ऐतिहासिक काम यहां पर किए हैं आपका हृदय से आभार है, अभिनंदन है। अब शायद ही कोई काम बाकी हो, जितने भी काम की डिमांड थी सब कुछ आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने एक झटके में पूरा कराने का काम किया, लखनऊ को अद्भुत सजाने सवारने का काम किया है। जो सपना पूज्य अटल जी ने देखा था उसको पूरा करने का काम माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ की सरजमी पर करके दिखाने का काम किया। हम अच्छी तरह जानते हैं ये मेट्रो, ये लखनऊ में फ्लाईओवर्स, लखनऊ के चारों तरफ 105 किलोमीटर की चारी ओर सड़क, ये संभव काम नहीं थे, असंभव काम थे। चाहे सीवर लाइन डालना हो, चाहे STP प्लांट बनाने हो, ढेर सारे काम आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने अपने आशीर्वाद से हम सबको संभव करके दिखाने का काम किया है। हमारी आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है,
हम रेल परिवार से कहना चाहते हैं, कुछ दिनों के बाद चुनाव घोषित हो जाएगा, हमें लगता है कि हो सकता है कि 3-4 दिन में चुनाव घोषित हो जाए, तो हमारी और सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष के प्रत्याशी की जमानत इस बार लखनऊ से जब्त होनी चाहिए। हमको बिल्कुल भी विपक्ष को यहां पर प्रवेश लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके एक एक व्यक्ति को रक्षा मंत्री जी के साथ खड़े होकर के अपने लोकप्रिय सांसद को ऐतिहासिक वोटों से देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजे जाने का निर्णय लेना होगा। जिस ढंग से आप लोग नारा लगाते हैं, हमने शिवगोपाल दादा जब नारा लगा रहे थे, मुझे दादा के जवानी के दिनों की याद आ गई, जब हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, दादा आज भी 4 गुनी गति से नारा लगाने का काम कर सकते हैं। दादा ने नारा लगाया इसलिए कि आप लोग धीरे से लगा रहे थे, लेकिन दादा ने पूरी ताकत और ऊर्जा दिखाने का काम किया है। इसलिए मैं रेल परिवार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसे ही चुनाव घोषित हो जाएगा आप सब लोग लग जाइएगा, एक एक घर एक एक वोट, पूरे लखनऊ में आपको जाना है और आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना है। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी का पुनः आभार प्रकट करता हूँ, आदरणीय शिवगोपाल मिश्र जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, आपने संचालक के तौर पर मेरी जिम्मेदारियों को भी बहुत हल्का कर देने का काम किया। माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने निश्चित तौर पर सांसद के तौर पर लखनऊ का अद्भुत उत्थान विकास कराने का काम किया है और मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूं, लेकिन हमारे अभिभावक आदरणीय शिवगोपाल भाई ने यह आश्वासन देने का काम किया है कि अगर आदरणीय सांसद महोदय ने देश के रक्षा मंत्री के नाते पर देश की रक्षा का जिम्मा संभाला है तो हम ये विश्वास दिलाते हैं कि लखनऊ में उनकी जो भी चुनाव की इक्वेशन है, जो भी चुनाव का है, वो जिम्मा रेल कर्मचारी उठाने का काम करेगा। निश्चित तौर पे धर्म जात संप्रदाय सबसे ऊपर उठ करके रेल कर्मचारी ने काम किया है। कोविड पीरियड में हमने ये सिद्ध करके दिखाने का काम किया है। समय बहुत कम है, मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से सीधे प्रार्थना करता हूं कि आज के इस सुअवसर पर अपना आशीर्वचन हम सबको देने का काम करें। आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार। इस कार्यक्रम के सभापति और रेलवे यूनियंस के हिंदुस्तान की एक मानी जानी हस्ती आदरणीय शिवगोपाल जी मिश्र, केवल महासचिव इन्हें नहीं कह रहा हूं, पूरे रेलवे में, मैं दक्षिण भारत में भी जाता हूं तो लोग शिवगोपाल जी मिश्र का नाम जानते हैं। ऐसे आदरणीय शिवगोपाल जी मिश्र और हमारे उत्तर प्रदेश के डायनेमिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिनका कि यह विधानसभा क्षेत्र भी है, श्रीमान ब्रजेश जी पाठक, श्रीमती सुषमा खरकवाल महापौर, श्री आनंद द्विवेदी नगर अध्यक्ष, श्री मुकेश जी शर्मा विधायक, श्री रामचंद्र जी प्रधान विधायक, श्री सियाराम जी वाजपेयी, श्री यशु शाह, श्री सचिंद्र मोहन जी शर्मा मंडल रेल प्रबंधक, श्रीमान दिवाकर जी त्रिपाठी, श्री श्रवण नायक, श्री गिरीश मिश्रा, श्री तिलोक अधिकारी, श्री राकेश श्रीवास्तव, श्री अरविंद त्रिपाठी गुड्डू और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। संभवतः परसों यह कार्यक्रम होना था, लेकिन हमारी अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण चाहते हुए भी उस कार्यक्रम में मेरा आना संभव नहीं हो पाया, लेकिन आज एक और कार्यक्रम था जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री जी संबोधित करने वाले थे और सारे देश में लाखों लोगों ने उनके कार्यक्रम में शिरकत किया है और उनकी बातों को सुना है। उसी कार्यक्रम के निमित्त में पुनः लखनऊ आया था, तो मैंने आग्रह किया कि उस दिन तो चूक हो गई,
लेकिन इस बार चूक नहीं होने पाएगी, मैं निश्चित रूप से कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आऊंगा। जहां तक स्वर्गीय टीएन वाजपेयी जी का प्रश्न है, हमारा कोई व्यक्तिगत बहुत रिश्ता नहीं रहा, लेकिन उनके बारे में सुना मैंने बहुत है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो 99 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद जब वो लखनऊ आए थे तो आए थे स्वर्गीय टीएन वाजपेयी जी की आदमगत प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आए थे। और शायद मैं उस समय मुख्यमंत्री था, उसमें मैं मुख्यमंत्री था और उस कार्यक्रम में मुझे भी भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैं सुषमा जी खरकवाल को विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारी महापौर हैं, सम्मानित महापौर हैं, उन्होंने इस चौराहे का नाम स्वर्गीय टीएन वाजपेयी के नाम पर रखे जाने के संबंध में मुझसे पूछा। आदरणीय शिवगोपाल जी मिश्र ने उनसे चर्चा की थी। तो बहनों भाइयों, हमने क्षण भर की विलंब नहीं लगाई, मैंने सहज रूप से अंतर मन से इस बात की स्वीकृति दी, इसे किया जाना चाहिए। जहां तक स्वर्गीय टीएन वाजपेयी जी का प्रश्न है, हम सभी जानते हैं कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत अभिन्न मित्रों में से वह थे, और मित्र ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि अटल जी के मन में स्वर्गीय टीएन वाजपेयी जी के प्रति एक सम्मान का भाव था। वो बहुत ही साधारण परिवार के रहने वाले थे, लेकिन जुल्म और अत्याचार के खिलाफ जंगल छेड़ने की अद्भुत कुवत यदि किसी में थी तो स्वर्गीय टीएन वाजपेयी जी के अंदर थी। मुझे यह बतलाया गया कि शायद 1945 में वो लखनऊ आ गए थे और एक कहीं किसी कारखाने में वह काम करते थे, किस कारखाने में काम करते थे मुझे नहीं मालूम। और मुझे इस बात की भी जानकारी दी गई कि संभवतः वह कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सदस्य थे, प्राथमिक सदस्यता उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की ही ली थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वामपंथी विचारधारा के लोग अंग्रेजों के खिलाफ जो जंग हो रही थी उसमें भाग लेने से उन्होंने मना कर दिया था, उससे कतराने लगे थे, तो उन्होंने अपने वामपंथी विचारधारा को उसी समय छोड़ दिया था और एक दूसरी पार्टी ज्वाइन की थी, वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। वह स्वभावतः समाजवादी थे, व्यवहारतः समाजवादी थे, और उन्होंने वह पार्टी ज्वाइन कर दिया। और कम्युनिस्ट पार्टी से नाराजगी केवल उनकी इस बात को लेकर रहती थी, भाई आप भारत के नागरिक हो, भारत में रहते हो, भारत की धरती पर पैदा हुए अन्न, भारत की धरती से निकला हुआ जल आप सेवन करते हो, और इस भारत की आजादी के खिलाफ जो तुमको जंग में हिस्सा लेना चाहिए तुम नहीं लेते हो, और यही कारण रहा कि वामपंथी विचारधारा के साथ उसका मोह भंग हो गया। उन्होंने यूनियन भी बनाई अलग, मुझे बतलाया गया, और 1960 की हड़ताल में भी उन्होंने भाग लिया था, और मुझे यह भी बताया गया कि 1960 की हड़ताल में जब उन्होंने भाग लिया था रेलवे की, तो उस समय शायद उन्हें निलंबित कर दिया गया था या बर्खास्त कर दिया गया था, और लगातार 12-14 वर्षों तक वह बाहर ही रहे। लेकिन बाहर रहते हुए भी पूरे संकल्प के साथ और पूरी दृढ़ इच्छा के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वाजपेयी जी लगातार करते रहे। और बाद में जब कोई समझौता हुआ, समझौते के बाद पुनः उनको सेवा में लिया गया, और मुझे बताया लोगों ने कि शायद 1979 में उसके बाद उन्होंने अपनी सेवा से त्यागपत्र दे दिया। और मैं मानता हूं कि भारतीय रेल जैसे संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों का नेतृत्व जिस सलीके से वह करते थे, जिस जीवटता के साथ वह करते थे, वह अपने में उस समय बेजोड़ माना जाता था। और केवल रेलवे का कर्मचारियों का जो यह संगठित क्षेत्र है, केवल उसके लिए ही उन्होंने काम नहीं किया,
अपने जीवन में असंगठित क्षेत्रों के लिए भी वाजपेयी जी ने भरपूर तरीके से काम किया, मैं जानता हूं। उन्होंने अलग से यूनियन बनाई, नॉर्दर्न रेलवे मेन यूनियन आज भी है, नॉर्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन, और उसकी जिम्मेदारी इस समय आदरणीय शिवगोपाल जी मिश्र निभा रहे हैं। और मैं जानता हूं कि यूनियन बहुत ही मजबूत यूनियन है, बहुत ही ताकतवर यूनियन है, और वाजपेयी जी उसके बहुत ही प्रमुख नेता थे, शिखर के नेता थे। रहने वाले तो बगल के जिले हरदोई के थे, लेकिन सारी जिंदगी उन्होंने शायद लखनऊ में ही अपनी गुजारी थी। मित्रों, मैं यह मानता हूं कि इस धरती पर जो लोग पैदा होते हैं, कुछ लोग तो अपने लिए जीते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो केवल अपनी सारी जिंदगी समाज के लिए ही जीते हैं। और स्वर्गीय टीएन वाजपेयी ऐसे ही कुछ लोगों में से, सारी जिंदगी ही उन्होंने कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए ही लगा दी। एक ऐसी शख्सियत थे, और आप ये देख रहे होंगे कि इस समय हमारी सरकार भी, चाहे समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे रहने वाले लोग हों अथवा समाज के अति पिछड़े हुए लोग हों अथवा जिन्हें वंचित कहा जाए, यह सब सारे लोग हों, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार ने लागू किया है। अब मैं बहुत विस्तार में जाकर उन सब सारी योजनाओं की मैं चर्चा करूंगा तो एक लंबा समय लगेगा, उसकी मैं यहां चर्चा नहीं करना चाहता। आपकी भी कुछ समस्याओं के बारे में आदरणीय शिवगोपाल जी मिश्र हमको समय समय पर बराबर हमसे चर्चा करते रहते हैं। आप लोगों को शायद उतना अनुमान नहीं होगा, आप लोग समझते होंगे अच्छे रिश्ते हैं, ऐसे जाते होंगे, मीठी मीठी बात करके चले आते होंगे। ये मीठी मीठी बात नहीं करते, कभी कभी बहुत कड़वी कड़वी बात भी करते हैं अपने कर्मचारियों को लेकर। समस्याएं हैं, और मैं मानता हूं कि समस्याओं का कभी न कभी समाधान निकलना चाहिए, और मुझे उसमें जो मदद करनी होगी मैं अपनी तरफ से मदद करूंगा। तो आज के अवसर पर तो हमें कुछ बहुत लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए आया नहीं था, ये आप लोगों ने इसके नामकरण की बात कही है, अब उसको भी आप देखिएगा, इसको आगे बढ़वाइए, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से आप भिजवाइए प्रपोजल, वहां से मैं करा दूंगा इसको, ये प्रदेश सरकार से प्रपोजल जाना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं चुनाव तक तो कुछ नहीं होता, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के कारण सारी चीजें जो यहां हैं वहीं रहती हैं, तब तक तो लागू नहीं होता। इस क्षेत्र के विकास के लिए भी बहुत सारे काम हुआ है, बहुत सारे काम हुए हैं, और अभी 11 मार्च को जाम की समस्या निजात दिलाने के लिए अवर चौराहे पर अंडरपास के निर्माण का शिलान्यास भी मैंने कर दिया है। और इसी क्षेत्र के आलमबाग के 5 वार्डों में बाबू कुंज बिहारी वार्ड, ओमकार वार्ड, गीतांजलि वार्ड, गुरु गोविंद सिंह वार्ड और गुरु नानक वार्ड, निःशुल्क सीवर हाउस कनेक्शन कार्य का शुभारंभ कल होगा, जिसको हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक करेंगे। लखनऊ के विकास का जहां तक प्रश्न है, मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है, जब किसी भी प्रतिनिधि को अपने कामों की चर्चा करनी पड़े तो मैं समझता हूं कि इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। लोगों को एहसास होना चाहिए, जब लोगों को एहसास होना शुरू हो जाए कि नहीं काम हुआ है, पहले के कंपैरिजन में हमारी जो कठिनाइयां वह कम हुई हैं, हमारी सुविधाएं बढ़ी हैं, तब तो उस जनप्रतिनिधि को संतोष होना चाहिए। और आप सब देश के एक जागरूक नागरिक हैं, इस सच्चाई को आप सब स्वीकार करेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे देश का कद बहुत ऊंचा हुआ है। मैं अभी पिछली सभा में भी कह रहा था, इसके पहले भी कई बार बोल चुका हूं, और जब हम लोग भी विदेशों में जाते थे कभी, और इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम कभी कुछ बोलते थे, तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए लोग नहीं लेते थे,
लेकिन आज भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। और यही हमारा भारत दुनिया के देशों में अर्थव्यवस्था के आकार, इकोनॉमी की साइज के मामले में जो 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर आज दुनिया के 5 देशों में आकर खड़ा हो गया है। और बड़े बड़े अर्थशास्त्री और हाईली रिप्यूटेड फाइनेंशियल फर्म्स अब इस बात को डंके की चोट पर कह रही हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027 प्रारंभ होते होते इकॉनमी की साइज, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा यह भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाए। और बहनों भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वह दिन दूर नहीं है कि भारत आर्थिक दृष्टि से भी दुनिया का सुपर पावर कंट्री बनकर के इमर्ज करेगा, सुपर पावर कंट्री। और हालात तो यह है, मैंने भारत की प्रतिष्ठा का अंदाज एक घटना की मैं चर्चा करूंगा। रूस और यूक्रेन की इस समय लड़ाई चल रही है और आपने देखा होगा कि यह लड़ाई 2 वर्षों से चल रही है। जब युद्ध प्रारंभ हुआ था तो यूक्रेन में हमारे भारत के रहने वाले 25,000-26,000 बच्चे वहां के मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। उनके गार्जियंस ने यहां शोर मचाना शुरू किया, प्रधानमंत्री के पास डेलीगेशंस मिलने प्रारंभ हुए, साहब चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चों को यूक्रेन से आप बाहर निकालिए। कितना कठिन काम था, रूस और यूक्रेन का युद्ध, धड़ाधड़ मिसाइलें चल रही थी, यूक्रेन तबाह हो रहा, अमेरिका का भी किसी न किसी हद तक उसमें हस्तक्षेप था। जो दुनिया के किसी देश का कोई प्राइम मिनिस्टर काम नहीं कर पाया, प्रेसिडेंट काम नहीं कर पाया, प्राइम मिनिस्टर ने टेलीफोन उठाया सीधे रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की और अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से बात की। और बहनों भाइयों, इससे बड़े गौरव की बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की अपील पर 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 बच्चे यूक्रेन से बाहर भारत चले। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी पहले भारत जो बोलता था बस वैसे ही आई गई बातें हो जाती थी। आज तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का प्रस्ताव यदि हमारे प्राइम मिनिस्टर संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत करते हैं तो दुनिया के 172 देश तालियां बजाकर उसका स्वागत करते हैं। और आज हमारा योगा तो सारी दुनिया के हर देश में हो रहा है। मैंने कुछ घटनाओं की चर्चा की, वैसे बहुत सारी घटनाएं हैं, लंबा समय लगेगा क्योंकि हमारी शाम को एक मीटिंग भी है, मुझे लखनऊ भी जाना है, लेकिन दिल्ली भी जाना है, इसलिए मैं बहुत लंबी चर्चा नहीं करूंगा। मैं तो यहां बस केवल स्वर्गीय टीएन वाजपेयी जी को अपनी हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया था। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस उत्तम कार्य के लिए, श्रेष्ठ कार्य के लिए मैं यहां की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी को एक बार मैं फिर से धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।